इंडिया तो इस काबिल ही नहीं ना है कि हमारे पाकिस्तानियों का मुकाबला कर सके। ओके, इंडिया इस काबिल हम समझते ही नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं? इंडिया इस काबिल नहीं है कि हम उनको मौका दें जीतने का। हम अपनी एक क्वालिटी रखते हैं कि हम उनसे ऊपर हैं। हमारे और हमने क्वालिटी है, हाँ। हमने करके दिखाया कि हम वाकई उनसे ऊपर हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही करके गया अर्शद नदीम साहब ने, करके दिखाया। हाँ जी, तो इसे कहते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी। पाकिस्तानी खिलाड़ी इसे कहते हैं। बाप कौन है? हाँ जी, पाकिस्तान की एक आदत बहुत ही खराब है कि उनको अगर कोई खुशी हाथ लग जाती है तो वो लगते हैं भारत को ट्रोल करने और पूछने लगते हैं कि बाप कौन है। तो दोस्तों, इसी तरह का एक वाकया हुआ है। अरशद नदीम ने, सभी को पता है कि गोल जीता है तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बोल रहा है। पाकिस्तानी ने ये भी कहा है कि असली बाप तो हम है इंडिया के। वहीं पर खड़े रिपोर्टर ने उस बंदे को ऐसी क्लास लगाई कि दोस्तों आप भी सुनोगे, आप भी देखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्या करने का पर्पस ये कि अरशद नदीम भाईजान पाकिस्तान गोल्ड मेडल लेके आए हैं, इंडिया के हाथों से छीन कर, इंडिया से जीत कर इंडिया सिल्वर लेके गया, लेकिन अरशद नदीम गोल्ड मेडल लेके आया। भाई क्या कहेंगे इस बारे में? अरशद नदीम के बारे में मैं एक दफा क्रैप करना चाहता हूँ। उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों का जज्बा पैदा किया है, नौजवानों को एक हौसला दिया है। हाँ जी, पाकिस्तान के लिए अपना नाम रोशन किया है और पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया है, दुनिया में ऊंचा किया है। जबरदस्त यार, क्या कहेंगे कि इंडिया जैसे मुल्क से, इंडिया से जीत कर आ रहे हैं, तो क्या इंडिया में खुशी होगी इस टाइम के पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीत गया, या फिर वहां पर तो खुशी नहीं होगी? इंडिया तो इस काबिल ही नहीं ना है कि हमारे पाकिस्तानियों का मुकाबला कर सके। ओके, इंडिया इस काबिल हम समझते ही नहीं। अच्छा, आप क्या समझते हैं? इंडिया इस काबिल नहीं है कि हम उनको मौका दें जीतने का। हम अपनी एक क्वालिटी रखते हैं कि हम उनसे ऊपर हैं, और हमने क्वालिटी है, हाँ। हमने करके दिखाया कि हम वाकई उनसे ऊपर है। जी बिल्कुल ऐसे ही करके गया अरशद नदीम साहब ने, करके दिखाया। हाँ जी, तो इसे कहते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी। पाकिस्तानी खिलाड़ी इसे कहते हैं। बाप कौन है? हाँ जी, क्या बात है यार, इस तरह के बयान से ही दोनों मुल्कों के दरमियान नफरतें फैलती हैं। जी जी बिल्कुल, नहीं नफरतें नहीं, नफरतें फैलती हैं। नफरतें कैसे फैलेंगी यार, एक देखे इंडिया समझता है कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में गरीबी है, ये कुछ नहीं, वाकई गरीबी नहीं है, गरीबी है, मैं मानता हूँ गरीबी है, लेकिन बहुत ज्यादा, लेकिन जब हमारे नौजवान ऐसे काम करते हैं ना तो हमारा हौसला बुलंद हो जाता है, हमारा होना चाहिए, हमारा मुकाम बुलंद हो जाता है। हमें गरीबी क्या है यार, गरीबी एक दिन की, दो दिन की, क्या होगा गरीबी भाई, ये 76 सालों की है। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया आपसे। अच्छा वो ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, जब नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लेकर गया, गोल्ड मेडल नहीं जीत सका, सिल्वर मेडल लेकर जब जीता तो नीरज चोपड़ा की वालदा पाकिस्तानी खिलाड़ी के बारे में कुछ कह रही है। ये हम सब लोगों के लिए सीख है, जो यहाँ सर जो नेगेटिव बयान देते हैं, ये बयान सुनने के बाद यकीन करें कि आपको पता चलेगा कि इंसानियत क्या होती है। ये सुने, हमने सिल्वर जीता वो भी हमारे लिए गोल्ड मेडल ही है, जो गोल्ड मेडल लेके गया वो भी हमारा ही बच्चा है, वो ये बयान दे रही है। माँ तो माँ होती है ना, फिर सर माँ है तो हिंदुस्तान की माँ ना। जी बिल्कुल, तो वो हमारे लिए भी बयान दे रही है ना, ये तो ये उनका किरदार है ना। देखें तो हमारा क्या किरदार है, देखें यहाँ पर खड़े होकर तो हम कह रहे हैं कि इंडिया कुछ भी नहीं है, इंडिया तो तबाह है, इंडिया तो वो, अगर वो हमें कह सकते हैं, हम नहीं कुछ कह सकते हैं। तो जब आप ही यही कहेंगे तो आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? हम तो कहते हैं हम तो मुसलमान सबसे ऊपर है, मुसलमान सबसे अफजल है। तो जब हमारे इखलाक ही इस तरह का, अगले बंदे को तू तड़ा करके गालियां देंगे तो क्या, गाली की बात नहीं, अगले बंदे को ये गाली देने से बुरा है, जब किसी बंदे को आप तंज करते हो, किसी बंदे को आप कहते हो कि हम तुमसे ऊपर है, आप मुझे बुरा कहोगे, मैं आपको अच्छा कहूंगा? नहीं ऐसी बात नहीं ना, नहीं क्या। अच्छा फिर देखें, खेल है, खेल में बहुत मजा आया उसको अपने मुल्क की जीतने की। मुझे मैं अगर मुझसे पूछो, मैं एज अ पाकिस्तानी, मुझे मेरे मुल्क के खिलाड़ी पर जीतने पर फख्र हो रहा है। जी जी बिल्कुल, लेकिन मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि यार इंडिया से इंडिया अगर हार गया तो वो ऐसे तो वो वैसे। नहीं, इंडिया देखें, इंडिया जब आपने भी देखा होगा, मैंने देखा, इंडिया के लड़के जो उनसे हैं वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे में, जब वो करेंगे भाई, मैंने देखे इंटरव्यू, मैंने आपको कहा ना वो करेंगे, तो आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा यार? हम सबसे अच्छे क्यों हैं? आप क्यों कहते हो हम सबसे अच्छे, किस चीज में अच्छे हो? मुसलमान क्यों सबसे अच्छे हैं? हमारी जुबान अच्छी है, हमारा दीन अच्छा है, हमारा इस्लाम अच्छा है, तो भाई वो अच्छा खाली कहने से नहीं, अमलन करके दिखाना पड़ेगा हमें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ रहे हैं? जी जी, अमलन जब हम करके दिखाएंगे, कोई आपको गाली देगा तो आप उसे कहेंगे भाई कोई बात नहीं, तुम्हें समझ जाएगी थोड़े टाइम तक,
अच्छा काम करेंगे, है कि नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो क्या सीखने को मिला इस सारी डिस्कशन से? सारी डिस्कशन से सीखने में ये मिला है कि पाकिस्तान और इंडिया भाई भाई। जबरदस्त यार, बहुत प्यारी बात की आपने, थैंक यू सो मच, समझ आ गया आपको यार। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान के लोगों को मतलब कि एक एक गोल्ड क्या जीत लिया इन लोगों को, मतलब इनकी बड़ी बड़ी बातें निकलना चालू हो चुकी है। मैं तो बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि पिछले 40 साल से आपके किसी भी खिलाड़ी ने क्यों नहीं एक भी गोल्ड जीता? आज से 40 साल पहले, लगभग 40 साल पहले हॉकी में एक स्वर्ण पदक जीता था, उसके बाद से तो अभी तक ये पहला अरशद नदीम है जो कि पाकिस्तान के लिए एक गोल्ड जीता है। और अरशद नदीम जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ इंडिया के तरफ से। देखिए खेल है, खेल के अंदर में हार जीत लगी रहती है, नीरज चोपड़ा ने तो कोई हारा नहीं है बल्कि वो सिल्वर जीत के आया है, तो खुशियां हमारे लिए उतना ही है। इससे पहले जब ओलंपिक हुई थी टोक्यो में तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, वहीं पर अरशद नदीम हार गए थे, तो ये खेल का हिस्सा है। और एक सवाल मेरा है पाकिस्तान के लोगों से कि जब उनकी जब स्टिक टूट गई थी, अरशद नदीम उनका नाम है, अरशद नदीम का जब स्टिक टूट गई थी तब नीरज चोपड़ा ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उनके लिए आवाज उठाई थी और उनके बातों को पाकिस्तान के मीडिया ने हाईलाइट करके दिखाया था। तब जाके पाकिस्तान के कुछ ऐसे ग्रुप्स आए, अरशद नदीम को वहां पर स्पॉन्सरशिप मिली, उनको नया स्टिक मिली, उनके खेल के जो प्रैक्टिस होती है उनके ऊपर में इन्वेस्टमेंट चालू हुआ। तो बहुत सारे ऐसे चीज है जो कि नीरज चोपड़ा ने उनके लिए आवाज उठाई है। अब ऐसा देना कि एक वर्ल्ड एक गोल्ड जीतने के बाद में कि बाप कौन है ये कौन है, अगर हम लोग यहाँ से बोलना चालू कर दे तो फिर आप लोगों को भी दिक्कत लग जाएगा। आपने नीरज चोपड़ा के माँ का बयान सुना होगा, अरशद नदीम के भी माँ का बयान आप लोगों ने सुना होगा, मैंने सुना है, हो सके तो पाकिस्तानी अगर नहीं सुने होंगे, अरशद नदीम के माँ ने भी नीरज चोपड़ा को अपना बेटे के जैसा ही कहा है। और तो और उन्होंने कहा है कि ये दोनों दोस्त हैं और काफी दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते भी रहते हैं, किसी भी माध्यम से जुड़े रहते हैं। तो हमारे तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप लोगों के तरफ से देखिए आप लोगों की तो करनी तो कुछ है नहीं। आपने एक बात और कही कि गरीबी है क्या है एक दो दिन की, भाई 76 साल से आपका मुल्क गरीब है, एक दो दिन की गरीबी नहीं, 76 साल लगे आप लोगों के, अभी तक आपका मुल्क गरीब है। तो आप लोग हमसे और या हमारे जो भी हमारे तरफ भी ऐसे लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि हमारे तरफ में सारे के सारे बनी, हमारे तरफ से भी पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो। और एक गोल्ड जीतने के बाद में बाप कौन है ये पता नहीं चलता है। देखो हमारे इंडियन जितने भी खिलाड़ी है ओलंपिक में गए उनके कितने सारे मेडल है, आपके पाकिस्तान के कितने मेडल है, तो इन सब चीजों पे ध्यान दो। दोस्तों देखा आप लोगों ने पहले तो बहुत सारी ऐसे बातें की, जब हकीकत सामने आई तो पाकिस्तान के लोग भी समझने लगे। तो दोस्तों क्या कहना है इस वीडियो पर आप लोगों का कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। डेली स्वाग का वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।